आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्री फॉल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री फॉल ये टॉपिक। तो थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने के लिए वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए और पूरे वीडियो को देखिए तो आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टॉपिक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक है, तो आप लोग इसमें ध्यान दोगे अच्छे से तो और पेशेंस रखकर पूरे वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी और अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। तो चलिए आप आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, टॉपिक का नाम है, बहुत ही सुंदर सा नाम है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा नाम है। क्या नाम है इसका? फ्री फॉल। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है, फ्री फॉल ऐसा नाम है टॉपिक का। तो यहाँ पर देखो जो वर्ड फ्री है, फ्री मीन्स हम लोग क्या समझते हैं कि जिसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी फोर्स एक्ट हो रहा होगा या फिर वो कोई भी मोशन कर रहा है तो वो फ्रीली मोशन कर रहा है, बहुत ही फ्रीली मोशन कर रहा है, या फिर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी फेनामेना हो रहा है तो बहुत ही फ्रीली वो फेनामेना हो रहा है, या फिर वो जो प्रोसेस हो रहा है बहुत ही फ्रीली हो रहा है तो वो फ्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखो फॉल, फॉल मीन्स हम लोग समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी एग्जाम्पल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, किसी पार्टिकल का, बॉडी का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो ऊपर से कहाँ गिर रहा है, अपर से लोअर पार्ट में गिर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि फॉल हो रहा है वो। तो यहाँ पर फ्री फॉल का केस बोला हुआ है, फ्री फॉल है मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से कहाँ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो वो केस क्या है, फ्री फॉल है। तो देखो ये फ्री फॉल का मीन है, जो फ्री मीन्स हमने डिस्कस किया, फॉल क्या है, ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, अपर पार्ट से लोअर पार्ट में, लोअर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो गिर रहा है, तो हम लोग उसको फॉल बोलते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम फॉल नहीं बोल रहे, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है, अपर पार्ट से लोअर पार्ट में आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि वो फॉल का केस है। लेकिन यहाँ पर फ्री फॉल है क्या, तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, है ना, फ्री फॉल, आपने फ्री फॉल वर्ड वर्ड में मीन में क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्री क्या है, फॉल क्या है, लेकिन फ्री फॉल है क्या, एक्चुअल में बोलता क्या है। तो देखो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं पहले और फिर हम लोग समझते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखता हूँ तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग, वेन एवर, ठीक है, हम लोग क्या लिख रहे हैं, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन दिस इज कॉल्ड एज, या फिर आप लिख सकते हो this process is called as free fall। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है, देखो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ये रहा ऑब्जेक्ट, अगर हमने बोला वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, लेकिन फ्रीली बोला है, लेकिन यहाँ पर आगे कुछ और बोला है, कंडीशन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोन यहाँ पर बोला है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और वो अपर पार्ट से लोअर पार्ट में आ रहा है, फॉल हो रहा है, गिर रहा है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट में, ग्रेविटी के अट्रैक्शन में, जो ग्रेविटी फोर्स है वो इसके ऊपर एक्ट हो रही है और उसके अट्रैक्शन में ऑब्जेक्ट ऊपर से कहाँ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलने वाले हैं। तो इसका मीन हमें समझ में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ले ले, अगर, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले, मतलब हमें समझ के लेना पड़ेगा, यहाँ पर देखो हम लोग अर्थ सरफेस पे, यहाँ पर, ठीक है, ये इसका केस ले रहे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने ले लिया अर्थ सरफेस पे और वो अंडर द एक्शन ऑफ, या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है, जी का डायरेक्शन कहाँ होता है, आप लोगों को पता है जैसा कि बच्चों कि जो जी का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, टूवर्ड्स दी, हम लोगों को पता है कहाँ होता है जी का डायरेक्शन, टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ
सर्कल नहीं बोलेंगे हम लोग, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होता है, ये ग्रेविटी होती है और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर लेती है। हम लोगों को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो पुल डाउन करती है, नीचे की तरफ खींच लेती है, ठीक है। और उस केस में खाली ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रही है तो हम लोग बोलेंगे कि वो केस क्या है, फ्री फॉल का केस है। लेकिन क्या ये फ्री फॉल का केस है, ठीक है, खाली क्या ग्रेविटी ही एक्ट करती है अर्थ सरफेस पे, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो कैसे ऐसा नहीं होता है, चलो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन आपको यहाँ पर क्लियर आया होगा समझ में कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी ग्रेविटी खाली एक्ट होती है और उसके एक्शन में, उसके अंडर में क्या करता है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ खींचा आता है, पुल डाउन हो जाता है, गिर जाता है, तब हम बोलते हैं कि वो फ्री फॉल का केस है। फिर वो प्रोसेस क्या है, फ्री फॉल है। तो देखो कैसे फ्री फॉल आइडियली नहीं हो पाता है, आइडियली यहाँ पर क्या बोला है कि फ्री फॉल का केस है मीन्स वहाँ पर ग्रेविटी ही ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन ग्रेविटी ही खाली एक्ट नहीं होता है। जैसा कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका मास क्या है, एम है, ये ऊपर से अपर पार्ट से नीचे की तरफ अर्थ के टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ या फिर टुवर्ड्स द अर्थ वो गिर रहा है ऊपर से, तो आप देखोगे कि एयर भी यहाँ पर मौजूद होता है, एयर पार्टिकल्स होते हैं, है ना, हमें दिखाई नहीं देते हैं वो बात अलग है, लेकिन वहाँ पर सराउंडिंग में एटमोसफियर में एयर पार्टिकल भी मौजूद होते हैं जो कि इसके मोशन को अफेक्ट करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, समझो ये ऐसे आ रहा है तो ज़्यादा हवा आई जोर से, तो ये हिलकर यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, भारी ऑब्जेक्ट होगा, वेट उसका ज़्यादा है तो हम लोग बात अलग बोल सकते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत तो अफेक्ट वो करता ही है। हल्का ऑब्जेक्ट है तो उसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। जैसे हम फेदर का एग्जांपल ले लें, हम यहाँ पर फेदर का एग्जांपल ले लें बर्ड्स के, तो वो ज़्यादा ही हवा से मूव हो जाता है। अगर यहाँ पर हमने फेदर ऐसे ले लिया, ये ऐसे नीचे गिर रहा है, तो हवा की वजह से वो यहाँ पर चले जाएगा कुछ, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भारी भरकम ऑब्जेक्ट ले तो वो नीचे आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसके मोशन के ऊपर अफेक्ट होने वाला है, वो पूरी तरीके से फ्रीली, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरने वाला नहीं है। तो ये जो एयर रेजिस्टेंस है, ये एयर रेजिस्टेंस मीन्स हम लोग रेजिस्टेंस मीन्स क्या करना, किसी भी चीज़ को रोकना, तो एयर क्या करता है, रेजिस्ट करता है इस ऑब्जेक्ट के मोशन को, नीचे पूरी तरीके से आइडियली नीचे गिरने नहीं देता, अर्थ के यहाँ पर अर्थ के डायरेक्शन में गिरने देता नहीं है, ठीक है, वो क्या करता है, ठीक है, अपोज करता है, एयर पार्टिकल क्या करता है, अपोज करता है, तो एयर पार्टिकल क्या करता है, रेजिस्ट करता है या फिर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको नीचे आने के लिए क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करता है मींस रोकता है, वो नीचे आने देता आइडियली नहीं है, मींस उसके मोशन में वो क्या करता है, अपोज करता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस भी वहाँ पर मौजूद है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है उसके ऊपर खाली ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। ने फ्री फॉल के केस में डिस्कस किया कि फ्री फॉल के केस में खाली ग्रेविटी ही नाम का फोर्स एक्ट होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, तब हम बोलेंगे कि वो फ्री फॉल पर, कि ये जो पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, इसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर में जो पार्टिकल है, जो भी होंगे, फॉग होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं एयर पार्टिकल, ठीक है, गैसेस होंगे, उनके जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, इसके मोशन को अफेक्ट करते, तो पूरी तरीके से ये नीचे खाली इसके ऊपर पूरी आइडियली ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है, उसके मोशन में अपोजिशन आ रहा है बाकी पार्टिकल्स के एयर रेजिस्टेंस की वजह से, तो हम बोलेंगे कि आइडियली वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं गिर रहा है। क्या बाकी अदर केसेस भी होते हैं, तो यहाँ पर बायन फोर्स भी काम करता है, यहाँ पर हम बायन फोर्स के भी है ना, ठीक है, हम लोग यहाँ पर अगर बायन केस का एग्जाम्पल ले लें तो बायन फोर्स भी यहाँ पर क्या करता है, अगर हमने यहाँ पर बी और टी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखने की कोशिश की, हमने यहाँ पर बता दिया कि बायन फोर्स जो है, बायन फोर्स भी क्या करता है, यहाँ पर काम करता है। तो बायन फोर्स मीन्स क्या होता है कि वो, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ग्रेविटी यहाँ पर है तो उसके अपोजिशन में ऊपर की तरफ, सब जो है ना, यहाँ पर ये डायग्राम हम लोग रफ करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो है ना, जो लिक्विड होता है, लिक्विड या फिर गैस होता है, ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फ्लूड बोलते हैं। फ्लूड मीन्स जो फ्लो करता है, जो बहता है, फ्लो करता है। तो लिक्विड और गैस के केसेस में क्या आता है, बायन फोर्स आता है। क्या आता है, बायन फोर्स आता है। और जो बायन फोर्स है वो क्या करता है कि जो यहाँ पर ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर जो है बायन फोर्स होता है। क्या होता है यहाँ पर, अपवर्ड डायरेक्शन में बायन फोर्स होता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी के अपोजिशन में बायन फोर्स आ जाता है, इसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होगा वो आइडियली पूरी तरीके से नहीं गिर पाता है अंडर दी ग्रेविटी खाली, ठीक है। तो मींस अपोजिशन आता है, बायन फोर्स आ जाता है, वहां पर हम लोगों ने देखा एयर रेजिस्टेंस आ जाता है, हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पर क्या आ जाता है, नहीं,
देता है, अपोज करता है। दूसरा क्या आता है, फर्स्ट हमने बाइंड फोर्स बोला, सेकंड हमने बोला एयर रेजिस्टेंस आता है। एयर रेजिस्टेंस भी यहाँ पर क्या करता है, अपोज करता है, पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट को फ्रीली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरने देता नहीं है। मीन्स हम लोग बोलेंगे कि असरफेस पे जो देखो बॉडी कोई भी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, खाली अंडर दी ग्रेविटी गिर रही है, बाकी अदर फोर्सेस एक्ट नहीं हो रहे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फ्री फॉल का केस है। जैसा कि आप लोगों के सामने डेफिनेशन अभी हम लोगों ने लिख दिया था, उसमें क्लियरली हमें मेंशन किया हुआ है, बताया हुआ है। लेकिन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पर बायंड फोर्स भी एक्ट हो रहा है, ग्रेविटी को अपोज करने के लिए अपोज डायरेक्शन में एक इमेजिनरी फोर्स आ जाता है, बायंड फोर्स है। एयर रेजिस्टेंस भी आ रहा है, मीन्स ये खाली ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहा है, बाकी अदर फोर्सेस अपोज कर रहे हैं, तो बाकी अदर फोर्सेस भी एक्ट हो रहे हैं, है ना। बाकी अदर फोर्सेस भी अपोज डायरेक्शन में हमने बाउंड है ना, अपोज डायरेक्शन में हमने बायंड फोर्स देख लिया, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी, और आजू बाजू में इसके सराउंडिंग में क्या है, एयर रेजिस्टेंस है। तो आइडियली ये ग्रेविटी की वजह से ही खाली नहीं गिर रहा है, बाकी अदर फोर्सेस भी क्या हो रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ये फ्री फॉल का केस तो हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन अर्थ पे जो फ्री फॉल का केस है वो आइडियली हो पाता नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि जब अर्थ सरफेस पे आइडियली, ठीक है, आइडियली जो है ये फ्री फॉल का केस नहीं हो पाता है, तो ये होगा कहाँ? तो ये देखो कहाँ पर होता है, ये आइडियली होता है, ठीक है, आइडियली ये केस होता है वैक्यूम में। कहाँ पर होता है ये? वैक्यूम के केस में ये आइडियली हो पाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ खाली क्या होती है, यहाँ पर ग्रेविटी एक्ट होती है इसके वजह से, ठीक है, इसके वजह से जो तो है ना, खाली जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो केस है, ठीक है, स्पेस में जो केस है, हम लोग स्पेस की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये जो केस है ये किसका केस हो पाता है, ये केस होता है किस, तो अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी, जो ग्रेविटी भी एक्ट हो रही है, लेकिन बायंड फोर्स और एयर रेजिस्टेंस होने की वजह से फ्री फॉल आइडियली नहीं हो पाता है। वो कहाँ पर आइडियली हो पाता है, हम लोगों ने सीखा वैक्यूम में हो पाता है, फिर स्पेस में हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि एटमोसफियर ही नहीं है, और वहाँ पर बायंड फोर्स भी नहीं है, इसके वजह से खाली ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके वजह से जो फ्री फॉल है ये केस पूरा आइडियली कहाँ पर हो पाता है, वैक्यूम में हो पाता है या फिर स्पेस में हो पाता है, वैक्यूम में हो पाता है या फिर स्पेस में हो पाता है, ठीक है। तो ये रहा केस हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, फ्री फॉल आइडियली कहाँ पर हो पाता है, स्पेस में हो पाता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि हमने यहाँ पर क्या बोला, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के केस में ग्रेविटी खाली एक्ट हो रही है, फ्री फॉल के केस में खाली जो ऑब्जेक्ट है ऑनली एंड ऑनली ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिर रहा है, बाकी अदर फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट होने नहीं चाहिए, तब ये केस किसका होगा, फ्री फॉल का होगा। जहाँ पर भी ऐसा है वो फ्री फॉल का केस है। तो हमने बोला कहाँ पर है ये वैक्यूम के केस में ऐसा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी नहीं है, बायंड फोर्स भी नहीं होगा, या रेजिस्टेंस नहीं होगा, और ये कहाँ पर हो पाता है, स्पेस की हमने बात की, वहाँ पर ये हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर खाली ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर ग्रेविटी है, तो फ्री फॉल का केस हो पाता है, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आया।